हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 11 जेपीएससी प्रीलिम्स का जिसका रिजल्ट का हमें इंतज़ार था, रिजल्ट आ चुकी है और आपका कट ऑफ जो गया है 246 मार्क्स गया है, यानी 126 क्वेश्चंस। और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मेरा जो स्कोर जो बन रहा है 112 क्वेश्चंस बन रहा है, तो मैं बहुत पीछे हूँ, करीब 11 क्वेश्चंस नीचे हूँ मैं। तो मेरा प्रीलिम्स रिजल्ट नहीं निकला है, तो ये अपडेट्स मुझे आपको देना है। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि मैंने जो भी कट ऑफ वीडियो बनाई थी 110 का जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो गलत साबित हुआ। इसके लिए आप जो भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे एक्सेप्टेड है। जो मुझे लगा मैंने अपने आपका ओपिनियन उसमें शेयर करी थी, इतना कट ऑफ बनना चाहिए, बट ऐसा कट ऑफ हुआ नहीं, कट ऑफ काफ़ी हाई गया। अब ये बात एक्सेप्ट करना होगा मुझे कि बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका मतलब स्कोर बहुत अच्छा आया है, जैसे कि अभी 246 करके जो स्कोर आया है, यानी बहुत कैंडिडेट्स हैं जो जितने भी रिजल्ट में लिस्ट आए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं हमारे स्टेट में। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने जैसे कहा था कि अब कुछ दूसरे एग्ज़ाम को मूव ऑन करना है, तो अभी CGL है, ये एक एग्ज़ाम मेरा है, और हाई कोर्ट का एक एग्ज़ाम है, और 2025 का जो UPSC एग्ज़ाम है, तो 2025 UPSC एग्ज़ाम दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इस व्लॉग को आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, आप सबका प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए। आप बीच बीच में आके, जिनका सिलेक्शन हो गया बीच बीच में आके व्लॉग थोड़ा सा देख दीजिएगा, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आपको यही कहूँगा कि निराश आपको नहीं होना है, आपको 14 JPSC में लग जाना है अभी से, क्योंकि आपको पता है कि ये साल 14 JPSC आने वाला है, तो 14 JPSC में आपको लग जाना है। तो इसी तरह से मैं छोटा छोटा वीडियोस अपलोड करते रहूँगा आप सभी के लिए, ये एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, और थोड़ा हम लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा और आपका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो जो भी है बहुत अच्छा था, और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करी थी, आप सबको दिल से धन्यवाद। और जिन जिन का मेंस अभी आप लोग देंगे, मन लगा के कीजिए, फाड़ दीजिए एकदम, टॉप रैंक में आइए आप लोग। और ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि कभी ना कभी आपका व्लॉग्स हम लोग देखे थे, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। जय हिंद, जय भारत।